माँ सारला नाम गठित होता ट्रस्ट तीर्तल अंचल सुद्रमुनि सारला दास वीररचित महाभारत और अन्यान्य पुराण ग्रंथर प्रचार और पारायण निम्ते निजुक्ति होते आठ जन पुराण पंडा और मुख्य संयोजक ए समस्त आनुषंगिक खर्च बहन करुले ट्रस्टी एसबू व्यवस्था करते तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गत जानकी वल्लभ पट्टनायक प्राथमिक स्तर में प्रदान करते 60,000 टंकार अनुदान राशि प्रश्न उठे एवं कौन सारला ट्रस्ट कार्यकारी हो आठ जन पुराण पंडा सहित मुख्य संयोजक पाँच कि प्राप्य राशि तीर्तल अंचल चली सारला महाभारत और अन्यान्य पुराण ग्रंथर पारायण ट्रस्ट नाम डिपोजिट अर्थर सदुपयोग होपर उत्तर रखा कहीं मामला पहुंचला मुख्यमंत्री मोहन माझी निकटने खबर अनुसार 1983 मसीह झंकड़ सारला पीठ से सारला दास संस्कृति परिषद पक्षर आयोजित सारला दास श्राद्धोत्सव मुख्य अतिथि भाव जोगदी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीजुक्त जानकी वल्लभ पट्टनायक सेठारे गठित और घोषित होता तीर्तल अंचल पुराण पंडा निजुक्ति मुख्य संयोजक रमाकांत रावल मूल सिंह ओ तरजंगार पुराण पंडा भावे निरंजन पंडा गोविंदपुर और कटरा पंचायत पुराण पंडा भावे विभूति भूषण नंद कोलर समांतरापुर पुराण पंडा भावे नगेन्द्र आचार्य यहपरी आठ जन निजुक्ति पाई प्रत्येक पुराण पंडा 50 टंका मासिक पाइबार व्यवस्था होता बेले मुख्य संयोजक 100 टंका पाइबार धार्य करा जानकी बाबू 60,000 टंका प्रदान करते ता कटक ग्राम्य बैंक फिक्स डिपोजिट रहिबो से ही सुधरे निजुक्ति पाई व्यक्ति प्राप्य पाइबे तत्कालीन सारला ट्रस्टर सभापति थिले क्षेत्रमोहन विश्वाल श्री विश्वाल स्वाक्षर मुख्य किराणी बाईधर जेना द्वारा कटक ग्राम्य बैंक रु सुध टंका उठाई पुराण पंडा और संयोजक को प्रदान करसुला मात्र क्षेत्रमोहन विश्वाल मृत्यु पर अद्यावधि कौन सी पुराण पंडा कि संयोजक टंकाटे भी पाईना मुख्यमंत्री द्वारा स्थापित व्यवस्था को एपर्यंत चापी रखिंट किए कहा इंगित चली अर्थर घोटाला फिक्स होता अर्थर सुध उठाऊ किए कौन हो अर्थ ट्रस्ट्रे से अर्थ अच्छी किए उठाई चलु करदेक प्रश्नर उत्तर पाइबा मान्यवर मुख्यमंत्री पाखे दावी कर मुख्य संयोजक रमाकांत रावल और समेत निरंजन पंडा विभूति भूषण नंद नगेन्द्र आचार्य प्रमुख पुराण पंडा मैंने यह समस्त व्यवस्था उपयुक्त तदंत सहित बकेया प्राप्य पाइबा दावी रखिंट निजुक्ति पाई व्यक्ति देखा रहा मुख्यमंत्री फंड को घोटाला कर मुद्रा राक्षस विरुद्ध कौन ने पदक्षेप जगत सिंहपुरु भागवत प्रसाद को रिपोर्ट समर्थ न्यूज।